वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज हमारा 21 व्लॉग है। तो आज है ट्यूसडे, आज होता हाँ ट्यूसडे, और अभी बज रहे 2:41। तो आज जो है काम हमें न्यू घर पे, बस तो हम बाद में जाएंगे, काम चल रहा है आज, कल मंडे के दिन नहीं चल रहा था। तो आज जो है मुझे सिस्टम जो है अपना ये निकालना, पूरे वायरिंग निकालना है सिस्टम के, तो आज वो काम करेंगे। और मैं हरमन अंक को ट्राई कर रहा हूँ तभी से फ़ोन करने का, लेकिन वो उठा नहीं रहे हैं फ़ोन, पता नहीं क्यों। देखते हैं, वो थोड़ा देर करता हूँ कॉल, उठाएंगे तो उनको जाके लेके आएंगे। उनके वायरिंग जो है मैंने जो है ना, आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। तो कंप्यूटर की वायरिंग निकाल ली है क्योंकि शिफ्टिंग भी तो करनी है, इसलिए अभी आ गया 4 सेकेंड। अकेले ही ये सारा निकालना पड़ेगा, तो अब इसे पूरा निकालते हैं। उस पर आपको अब टाइम लैप्स देख लेना, तो चलिए निकालते हैं। तो गाइस फिलहाल अभी सारा अच्छी चीज़ें हटाते हैं यहाँ से, ये मेरी शुरू है इंग्लिश की यूट्यूब दिया था मैंने, ये हटाओ ठीक है। फिर एक हमारा जो पुराना ये का, इसे मैं यहाँ पर रख देता हूँ क्योंकि ये तो अब अरमान यूज़ करेगा, इसलिए यूज करना हो गया। माउस पैड के मैं डाल दें, काम नहीं है। अब तो लैंड केबल निकाल देते हैं, लैंड केबल ये सारे निकालने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि मैंने दिखा था आपको मैंने क्या किया है, और आप लोग भी देखो जरूर। देखो यहाँ से ये जो है ना, मैंने ऐसे फिक्स कर दिए हैं सारे के सारे वेयर्स, एक भी खुला नहीं है। देखो सारे फिक्स कर दिए हैं मैंने, इसलिए एक एक करके हमें ये निकालना है। तो चलिए, तो अब इन्हें निकालते हैं। जो सारे पिन जो है मैंने स्क्रूज मारे हैं, ऐसे ये मारे हैं वेयर्स के लिए, अभी इन्हें निकालना है मुझे। कटिंग प्लेयर तो नहीं है, कटिंग प्लेयर तो न्यू घर में रख के आ गए थे हम उसी, और इसलिए इसको निकाल देगा, निकाल देते हैं। और आप इसे टाइम लग देखो तो देखो जरूर, तो लाइक कर देना यार। ऑलमोस्ट सारे निकल गए, थोड़ा ये नहीं निकल रहा है, ये नहीं निकल रहा है, और ये और एक कहाँ था, ये तो सारे तो ऑलमोस्ट निकल गए। तो अब नहीं जो है हमें सारों को साफ करना है। तो पहले तो जो है मैं एक ये ले जाता हूँ कपड़ा, अभी जो है इसके अंदर का पार्ट करना है, क्लीन करना, क्योंकि जब मैं लाया था तब किया था लास्ट, और अभी तक नहीं किया। तो करते हैं अब, चलो इसे कुछ ऐसे ओपन करना होता है, ठीक है। ओपन हो गया लॉक, और अंदर देखो यार रोशनी तो नहीं है, लास्ट टाइम मैंने क्लीन तो किया था ये,
इसलिए उतनी नहीं है ये। तो अभी से जो है मैं वन सेकेंड में टूथब्रश लेके आता हूँ। हाँ तो लेके आ गया। तो अभी जो है पहले तो इसे निकालना हूँ, इसे मदरबोर्ड क्लीन कर रहा हूँ मैं। बहुत धूल आ रही है यार। पाइप जो है ना यहाँ पर, और थोड़ा सा देखो वॉइस कितना आता है आप लोग, ठीक है? थोड़ा सा डालूंगा, देखा ना वॉइस बहुत आता है, इसलिए आप म्यूजिक एंजॉय करो और वीडियो के साथ। आपने जैसे कि देखा वैक्यूम से बहुत अच्छा क्लीन हो गया है ये। वैक्यूम का काम कुछ नहीं है इसलिए इसे निकाल देते हैं। और यहाँ की बाल्टी में बाल्टी रखता हूँ क्योंकि फैंस भी तो हम क्लीन करने होते हैं ना, तो इसे जो है बंद कर देते हैं। उसका काम हो गया, इसे जो ऐसे लॉक कर दिया हमने इसे, ठीक है? तो इसका काम हो गया। जो है हम ना एक कीबोर्ड को क्लीन करेंगे। आप सोच रहे हो कैसे कीबोर्ड को क्लीन करेंगे? तो ये मैकेनिकल कीबोर्ड है इसलिए इसके जो है ना इसके अंदर बहुत अभी देखो कैसे जाते हैं ना, इसलिए तो इसे भी क्लीन करेंगे। तो मैं फिर चेयर लेके आता हूँ यार, खड़की काम करने नहीं हो रहा है। तो गाइस मैं चेयर और ये लेके आ रहा हूँ क्योंकि इसके निकालना है ना हमें, इसलिए ये काम आएंगे। तो लोग मैं इसको क्यों ले गया पता नहीं, तो इसे फिर तो बैठते हैं यहाँ पर और पहले हम ना, हाँ तो इसकी फ़ोटो भी लेना है हमें क्योंकि बाद में पता नहीं चलेगा ना, इसलिए तो मैं फ़ोन लेके आता हूँ। तो बस पहले तो इसकी जो है ना मैं क्लीन से फ़ोटो ले लेता हूँ। एक तो ऐसे वो दिखेंगे नहीं क्योंकि लाइट ऑन नहीं है इसके आज भी, इसलिए ऐसे ही फोटो लेंगे। तो इसका भी काम हो गया, ऐसे निकालने हैं हमें सारे के सारे। और सारे मैं रखूँगा ना, ये भी गम गया तो मेरा नुकसान होगा ड्राइवर का। इसकी तो फिलहाल ज़रूरत नहीं है, इससे निकाल सकता हूँ ना। अरे भाई यार जाना हो ठीक है। सारे निकल चुके हैं, अब इसमें सिर्फ शिफ्ट एंटर और स्पेस बार, क्योंकि निकालता नहीं हूँ मैं क्योंकि बड़े जो बटन होते हैं ना उसमें पिन लगे होते हैं अंदर, इसलिए तो नहीं निकालता हूँ मैं। तो ये सारे निकल गए हैं। अब फिर से वैक्यूम क्लीनर का काम तो नहीं है, मैं ब्रश में कर लूँगा ये, ठीक है? तो इन्हें जो है ना संभाल के रखना मिला भाई यार, क्या रखूँगा मैं इन्हें कट्टी से इसे है ऊपर। अगर मैं वैक्यूम से क्लीन से करो जल्दी हो जाएगा तो वैक्यूम क्लीनर कर लेते हैं वरना टाइम वेस्ट होगा यार। क्लीनिंग इसी कीबोर्ड की हो गई है। अब सिर्फ ना मुझे ना फोन की तो ज़रूरत पड़ेगी क्योंकि आप ऐसे बोर्ड से देख के लगाना है ना सारे। हम इसे यहाँ पर रख लेते हैं फोन को, यहाँ पर ऐसे फ़ोन रख लेता हूँ मैं, वो जल्दी जल्दी लगाएंगे सारे। तो मैं आपको लगाने के बाद आपको मिलता हूँ पूरा। लगने वाला है फाइनल बटन एंटर, तो कंप्लीट हो गया, बहुत मेहनत से हुआ। तो अभी चलते हैं अरमान को, उसको इसे लेके आना है, उसको फिर से कंटिन्यू करता है काम। तो गाइस फिलहाल टाइम हो गया है जैसे कि लगा है 8:15 हो चुके हैं और अभी तक सारा काम हो गया है। और ये देखो बेड यहाँ पर जो है अपना दीवान आ गया है और यहाँ पर बेड, और क्योंकि यहाँ पर हमारे घर में ना जैसे कि मैंने आपको कहा था बहुत बड़ा ही फंक्शन है, उसे कहते हैं फातिया। आप लोगों को समझ में आएगा तो आएगा, वरना नहीं तो मुझे बताएं।
तो ये जो है इतना बड़ा होगा रूम, तो लगती रूम छोटी है लेकिन बहुत बड़ी रूम है ये। इतना सारा हो गया टेबल, और मैंने पीसी क्या किया, मैंने पैक नहीं किया है पीसी, क्योंकि एडिटिंग को कभी हो चाहिए तो निकाल लूँगा मैं, इसलिए मैंने ना अपना जो पुराना पीसी यहाँ पर रख दिया, दो मॉनिटर्स यहाँ पर रख दिए, और एक पीसी जो है हमारा जो पुराना रूम में का जो रूम में वाटर प्रूफ था सिंगल वाटर उस पर रख दिया, कीबोर्ड सारा वहीं पर है, तो जब चाहेगा निकाल लूँगा मैं, वरना नीचे में यहाँ से अपना फ़ोटो निकाल के मैंने हॉल में लगा दी, क्योंकि अच्छा जाएगा ना, जब मेहमान आएंगे देखेंगे तो ये हो गया रेडी। तो ये सारे क्लीन करना है, तो इग्नोर करो सब। अरे भाई अरमान ने जूस ला के दे दिया, ठीक है तो अभी चलते हैं न्यू घर की तरफ, चलिए चलते हैं। अब यहाँ पर आ गए न्यू घर पे, तो आज जो हम यहाँ पर मैं दिन पर नहीं आया था, क्योंकि घर में काम करना था ना, वो इसलिए नहीं आ पाया था। तो आज का काम दिखाते हैं, नीचे बिल्डिंग लगी है और ऊपर का भी है, जो ऊपर शेल्स बनने वाले हैं वाटर होगा इसका, ये बन गया है। तो यहाँ पर भी शेल्फ, इसके अंदर अभी कुछ नहीं लगा है, सिर्फ शेल्फ ऐसा डिज़ाइन आएगा, इसके अंदर सारे लाइटिंग्स आएंगे सारे के सारे। तो आज लगता है सिर्फ इतना ही काम था इसमें, और नीचे भी इसमें भी सारी बिल्डिंग लग गई है, ऊपर का काम तो इसमें फिर थोड़ा ही हो गया था, और आज क्या हुआ है मुझे पता नहीं। और यहाँ पर आज भी ठीक ही लगता है, लौके लौके रहने देते हैं जिससे कैच भी नहीं करेंगे। तो यहाँ का भी काम जो है ये भी कंप्लीट हो गया है, तो इतना ही था आज का अपडेट यहाँ घर का। तो अभी चलते हैं भाई किधर घर पे, इनके हसीब लोग आ रहे हैं इसलिए चलते हैं। ऑफ कर दिया मेरा स्प्रेड, ये छोड़ दिया मैंने स्प्रेड, ठीक है चलिए चलते हैं। और मेरे साथ आया था आपको भारत, भारत आज भी चलते हैं, चल थोड़ा पकड़ ले यार ये कैमरा करते हो यहाँ पर छोड़, देखिए लॉक कर दिया, चल चलते हैं आज ऐसे चल जाएंगे। तो जितना ये आप देखने आए थे कि आप लोगों को दिखाने के लिए कि आज कितना काम हुआ है, तो चलिए चलते हैं वापस बच्चे घर के लिए, दे तो मैं गाड़ी निकाल लेता हूँ। तो आज एंटॉक में आया था, इनके फैशन है तो अबू लेके गए हैं इसलिए मैं एंटॉक में आ गया, ठीक है तो फिर घर पे ही मिलते हैं। और खराब रहते हैं और फिर से जा रहा हूँ, आप फिर ये भी देखते हो मेरे व्लॉग में क्या आता हूँ जाता हूँ आता हूँ जाता हूँ। अब जा रहा हूँ मैं हसीब ढूंढो, ये हसीब उनको लेके आने के लिए, अरे छोड़ा भैया वो ठीक है तो लेके आने, तो उन्होंने फोन किया था ये जा रहा हूँ मैं, चलते चलते हैं। घर आ गए थे हम, उसके हसीब और मैं और जो मेरा छोटा भाई साहिब जो है, और हम जो हमारी ऑफिस को जो है लॉक करने गए थे, और यह हादसा हो गया जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारे कट्स आ गए हैं, दो कट्स, ग्रेनेड जो है ना हाथ पैर पे पड़ गया था मेरे, तो इसलिए व्लॉग में जो फोन व्लॉग करने के लिए निकाल रहा था और मेरे 100 रुपये पड़ गए थे नीचे रोड पे, और वहाँ पर ये था ग्रेनेड, तो हटाने जो जब वो गिरा ना मेरे पैर पे ऐसा दर्द हुआ यार। तो कल व्लॉग करूँगा तो करूँगा, वरना नहीं करूँगा क्योंकि इसने ऐसे दर्द में कैसे व्लॉग करूँ। तो ये व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, ये व्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए bye bye as always boom.